हेलो फ्रेंड्स, मैं शीफा, वेलकम टू फूड स्टोरीज़। आज हम बनाएंगे एग डेविल। ये एक यूनिक रेसिपी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एग के ऊपर आलू का कोटिंग करने वाले हैं वो रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू जिसकी स्किन निकाल कर उसे मैश कर लिया है वो बाउल में डालेंगे। उसके बाद डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, उसके बाद डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब हम हाथों से इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आलू का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम कोटिंग के लिए घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए दो चम्मच हम लेंगे मैदा, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालकर हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, घोल रेडी हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो चलिए अब हम एग डेविल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर तीन अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। हमें इसे हाथों के ऊपर ही चपटा कर लेना है। ये देखिए, मैंने चपटा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक अंडा रखेंगे और फिर हम इसे इसी से कवर करेंगे। ये देखिए, एक रेडी हो गया है। ऐसे ही करके मैं बाकी दो कर लेती हूँ। अब हम एक अंडा लेंगे जिसे हमने कोट किया था, ये घोल में डिप करेंगे। और अब हम इसे ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये देखिए, एक अंडा कोट हो गया है। ऐसे ही करके मैं बाकी दो कोट कर लेती हूँ। ये मैंने तीनों एग को कोट कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ये जो कोट किए हुए एग्स है वो डालेंगे एक एक करके। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। ऐसे ही करके मैं जो दूसरा है वो फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, एग डेविल खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो मेरी आने वाली रेसिपीज़ है वो आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।